नेक बैंड मुझे डी मार्ट में जो 1200 का है वो मुझे 600 में मिला मुझे, तो मैंने ले लिया। और देखते हैं अभी इसमें वो काफ़ी वर्थ है कि नहीं है, 1200 के या 600 रुपीस के वर्थ है वो देखते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट है और मैंने जो जिसके वजह से लिया वो 13 आवर्स उसका प्लेबैक टाइम है, और आप देख सकते हैं 30 आवर्स इसका जो है वो स्टैंड बाय टाइम है, ठीक है। और 2.5 आवर्स आपको खाली रिचार्ज करने के लिए लगता है। इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के पहले हम लोग देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन बॉक्स पे क्या लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लूटूथ वर्जन है वो ब्लूटूथ वर्जन 5 है। ब्लूटूथ वर्जन 5 जो है वो ज़्यादा आपका जो बैटरी ड्रेनेज है वो कम होती है उसमें, और जो डिस्टेंस है आपका सुनने का या कम्युनिकेशन का वो ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 30 फीट तक रहता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, जो नेक के ऊपर जाता है वो फ्लेक्सिबल है। और ये जो एट अ टाइम आप उसको दो फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, दो फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हैं उसका डेटा जो है, या गाने सुन सकते हैं, या फिर एक में आप जो आवा जो आपको कॉल सकते हैं वो, या आप एक से आप गाना सुन सकते हैं। ये स्प्लैश प्रूफ है, जबकि स्प्लैश प्रूफ का रेंज दिया नहीं है, IP68 है, 7 है, क्या है वो दिया हुआ नहीं है। गाना सुनते टाइम ये आप एंटरटेनमेंट टाइम पे भी आप कॉल कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और स्पेशलिटी और उसमें एक है कि इसके जो ईयरफोन है उसको वो मैग्नेटिक है तो कनेक्ट कर सकते हैं ताकि गिरे नहीं। चलो अभी हम लोग पीछे की तरफ उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो देखते हैं, जिसकी वजह से मैंने लिया है। एक्चुअली ये ब्लूटूथ वर्जन 5 है और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो 2.5 आवर्स में चार्ज हो जाता है। प्लेबैक टाइम है 13 आवर्स स्टार, मतलब आप कितने वॉल्यूम पे उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो यूजेस है उसकी पावर बैटरी की वो हो जाएगी। एट 50% वॉल्यूम ये जो दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन वो है 50% वॉल्यूम पे। 50% आप वॉल्यूम अगर रखते हैं तो आपको प्लेबैक टाइम मिल सकता है 13 आवर्स का, और टॉक टाइम है अबाउट 15 आवर्स। हम लोग अभी बॉक्स ओपन करते हैं। ये ठीक है, ये मैंने डीमार्ट से लिया हुआ है, वहाँ पे मुझे काफ़ी सस्ते में गिरा। जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आपको थोड़ी शायद ज़्यादा प्राइस है इसकी, कुछ 1000 रुपीज़ और 1100 रुपीज़ ऐसे कुछ है, ठीक है। ये इसके साथ आपको केबल मिलती है, ये चार्जिंग केबल है, ये USB माइक्रो USB है, ये बड्स है, ईयरबड्स है, और इसमें एक बस ये मिला हुआ है उसका हाउ टू यूज़, ठीक है, हाउ टू यूज़। उसमें उन्होंने मुझे उसकी जो वारंटी है उसके ऊपर लिख के दे दी है, ठीक है। ये अभी ईयरबड्स कितने हैं देखते हैं, इसमें निकल के ये दो पेयर है, ठीक है, ये भी बाजू में रखते हैं। ये अभी हम लोग इसमें से बाहर निकालते हैं। ये काफ़ी हल्का लग रहा है, उसका वेट यहाँ पे दिखा हुआ था या 26 ग्राम, तो काफ़ी हल्का लग रहा है मुझे ये, ठीक है। इसका देखते हैं अभी, मैग्नेटिक यहाँ से निकालते हैं, अटक रहा है, ये निकाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 बटन्स है,
ये देख सकते हैं यहाँ पे, वो 3 सेकेंड जो है होल्ड करके रखने का कि आपका चालू हो जाएगा जो नेक बैंड है वो स्कीप है, और कॉल लेने के लिए दिया हुआ है, ये माइक है, ठीक है, अच्छे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, वेट भी हल्का है, ठीक है। इसका एंगल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जो ये एंगल पर्टिकुलर एंगल की वजह से आपके ईयर्स में बराबर फिट बैठ जाता है, मुझे नहीं लगता है ये गिरेगा, और ये भी हल्का है तो महसूस भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक पीए का जो बेस है वो कम है, तो जो गाना सुनते हैं उनके लिए, उनको जो ज़्यादा ज़रूरत है बेस की तो उनको वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर कुछ स्पीच वगैरह सुनना है तो शायद वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें और क्लियर सुनाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो होल्स दिख रहे हैं, तो यह एक माइक है और दूसरे एलईडी लाइट्स हैं जो आपको चालू बंद वो दिखाई देगी, मैं अभी चालू कर रहा हूँ। चालू हो रहा है, ये अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ब्लूटूथ ऑन किया मैंने, देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रेविटी जेड ग्रेविटी ये आ गई, और यहाँ पे आप कितनी चार्ज है, ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं 70% चार्ज है, तो कितनी चार्ज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें से गाना जो है वो चालू करके देखते हैं, और ये माइक में रखता हूँ यहाँ पे, एक एक साइड का सुनते हैं, ठीक है, ये चालू किया हमने एक साइड के, ये मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बीच में ही रखता हूँ। तो आप बताओ कि कैसा लग रहा है इसका साउंड, काफ़ी अच्छा है और कंपेयर टू उसका कॉस्ट जो है, यहाँ से ये उसका चार्जिंग पॉइंट है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसकी वजह से ये आप यहाँ से होल्ड करके देख सकते हैं, होल्ड करके आप खींच सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पावर बैंक है, तो पावर बैंक को मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये रेड लाइट फ्लैश हो रही है, नहीं शोइंग रेड लाइट, जो कि चार्ज होने का एक सिंबल है।